नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। टीम ऑफ आसमा परवीन के सदस्यों ने की बैठक, वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज टीम ऑफ आसमा परवीन के तरफ से मीटिंग रखा गया जिसमें आगामी कार्यक्रम पे चर्चा किया गया, जिसमें मो इम्तियाज, हाफिज तौकीर सैफी, ललन ठाकुर जी के द्वारा क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पे चर्चा किया गया तथा आगामी 6 सितंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के वर्चुअल रैली पे टीम के कुमार भार्गव, राजा बाबू, मो दिलशाद तथा मो अली के द्वारा चर्चा किया गया तथा महुआ विधानसभा क्षेत्र के सभी पंचायतों से आए हुए लोग टीम ऑफ आसमा परवीन की मीटिंग में शामिल होकर अपने संभावित प्रत्याशी डॉ आसमा परवीन जी को बेहतर से बेहतर परिणाम दिलाने के लिए मेहनत करने की बात कही गई, जिसमें आए हुए लोग जावेद अंसारी, जावेद आलम, डॉ पप्पू सिंह, मो नयाज, राजकमल, अरुण राम, ललन ठाकुर, उमेश सिंह, रूवी देवी, सोनी कुमारी, राजेंद्र पासवान आदि लोग थे। तारीख को जो वर्चुअल सम्मेलन होने वाला है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। सभी लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और हिस्सा लेने के लिए जो उपयोगी चीज होती है वो आपका एंड्रॉयड मोबाइल है। सभी आदमी अपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पे गूगल मीट ऐप को डाउनलोड करेंगे और लिंक आपको ऑफिस से सेंड कर दिया जाएगा, कॉन्टेक्ट करके पता कर लेंगे। और बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी पहली बार इस रैली के माध्यम से हमारे सामने आएंगे। इससे पहले आरसीपी सिंह जी थे या अपने राज्य के और भी गणमान्य नेताओं थे, इंडिया ने आज इस मीटिंग को आहूत किया है। जी। मीटिंग का आहूत करने का जो सबसे मुख्य मुद्दा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मुद्दा यह है नेतृत्व में हम लोगों का मीटिंग किया जा रहा है। जी। इस मीटिंग में हम लोग सम्मिलित हुए, इसलिए हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम टिकट मिले, दूसरी बार भी हम नगर पंचायत के सदस्य पंचायत समिति, मतलब ये मेरा 20वां साल शॉर्ट में राजनीति दौर में लगातार पंचायत समिति, उसके बाद दो बार वार्ड पार्षद के हिस्से से आप लोगों का या अपने वार्ड का या महुआ का सेवा कर रहे हैं। फिलहाल अभी इस ऑफिस में एज ए आसमा टीम आसमा परवीन के हिस्से से हम आपके आपके आपसे बात कर रहे हैं। बहुत ये हम लोग कहूँ पर देना है कि आप अपने बूथ का नाम, मान लिया कि बस्ती सर सिकर बन जाए तो बस्ती सर सिकर में कितना या कितना चुनाव आयोग की तरफ से एक्सटेंशन हो। जी, वो गाइडलाइन हर पंचायत में जो भी बूथ है बूथ लेवल एक्सटेंशन होना मतलब अनिवार्य होना पड़ता है। अगले सामने इसके इसके पास जाएगा ज्यादा एक्चुअल है कि हम उसको कैसे जगह दे कि हमारे पास सप्लाई करें।